लेकिन फिलवक्त तो मोदी ही सही है भाई। यार मुझे तो फिलहाल लगता है कि मोदी बेस्ट है। जब से गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तब से जो उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क आया। वो मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफी वो पावरफुल हुए हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाक मीडिया अपने मुल्क में जहां पीएम मोदी की नेगेटिव इमेज दिखा रहा है, तो वही पाकिस्तानी लोग अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम ने कैसे पाक पत्रकार फिजा खान को करारा जवाब दिया, आए वीडियो में देखें। कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अकड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे, सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने उनकी पोल खोल दी। क्या बोला तूने? हालांकि इन खातून का ताल्लुक खुद भारत से है और वो भारतीय टीम की शर्ट पहनकर जीत के लिए नारे लगाती रही हैं। और ये जो तस्वीर है, ये भी जो सबरीना है, उन्होंने खुद अपने अकाउंट से शेयर की हुई है, जो भारत के जो जमहूरी दोगलापन है उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि तमाचे से कम नहीं है। ठीक, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मीडिया का असल चेहरा ये है, इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे हैं जो क्या कहती थी, हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है, लेकिन आप लोग हमेशा बेनकाबू और आइंदा भी एक्सपोज होते रहेंगे। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अरे मुझे तो फिलहाल लगता है कि मोदी बेस्ट है। किस लिहाज से? क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट उधर हो रही है ना, इधर नहीं हो रही, यहाँ तो एक सड़क उखाड़ के चले जाते हैं, वापिस आते ही नहीं। गजब बेइज्जती है। कैसे? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उससे पहले भी हो सकता है, बट जब तक मतलब मैंने थोड़ी सी ना रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब से यूनिवर्सिटी में आया तो डिफरेंट लीडर्स पे रिसर्च करनी पड़ती है, तो जब से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया है ना, तो उनकी जब से गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तब से जो उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क आया। वो एक्सपोर्ट हो, IT फील्ड हो, वो फॉरन रिजर्व हो, या कोई भी चीज हो, उसमें वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करके चले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। टॉपिक यह है कि अगर लेट्स सपोज एक साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ख्याल है कि मोदी के वहां आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफी वो पावरफुल हुए हैं, तो आई थिंक शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए फर्क। लेकिन अगर ये लोग वहाँ जाते हैं, लेट्स सपोज, हाँ बिल्कुल, अगर शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर तो फिर जो चेंजिंग यहाँ पे आई है वही वहां पे आ जाएगी। क्या चेंजिंग आई है? मैं वैसे किसी एक को नहीं करूंगा, शुभाष साहब को नहीं कहूंगा, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं सबकी बात करूंगा। तो पाकिस्तान में देख लें क्या चेंज आया। मेरा ख्याल है कि बजाय ऊपर जाने के, हम इकोनॉमिकली नीचे जा रहे हैं। इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए, तो हम नीचे आ रहे हैं।